तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे माई नेम इज़ मोहम्मद तंजीम एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस वी मैनी ईयर्स और आई एम जस्ट अ फ्रेशर एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस मिस्ड कॉलेज. आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई हैव दिस एकेडमिक रिकॉर्ड. आई हैव बीन मोर स्किलफुल इन दिस टेक्नोलॉजीज एंड दीज आर माई स्किल्स एंड यू कैन प्रोवाइड मी ऑल द टास्क. आई कैन कम्प्लीट इन द गिवन टाइम एंड विथ क्वालिटी एंड डिलीवरेबल्स. ठीक, इस तरीके का मतलब कुछ आप लोग को बोलना है. हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद तंजीम. दोस्तों, आप लोगों ने रेलेवल की वेबसाइट पे विजिट किया होगा. रेलेवल पे जाके आप लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ाम को अपना फ्री स्लॉट जो है वो बुक किया होगा. बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट को चूज़ किया होगा, जो कि 90% लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं. उसके बाद आप लोगों ने एग्ज़ाम शुरू किया होगा, जो भी आप लोग का शेड्यूल्ड एग्ज़ाम डेट है. वहाँ पर आप लोगों ने फ़ेज़ वन क्वालिफाई किया. फ़ेज़ टू में क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि भाई फ़ेज़ वन तो मेरा क्लियर हो गया, फ़ेज़ टू में कोई है ही नहीं बताने का पूरे यूट्यूब में कि भाई फ़ेज़ टू में कैसे करते हैं. यहाँ तक कि ये है कि भाई फेलो यूट्यूबर्स ने काफ़ी लोगों ने मदद की है कि भाई इंटरव्यू ला के लोगों का दिला दिया है, लेकिन कहीं भी ऐसा है नहीं कि वो आप लोग को एग्जैक्ट चीज़ें बता सकें. हाँ, वो कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं कि भाई ऐसे आप लोग को बताना है, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें आप लोग को कैसे पता चलेंगी? कैसे पता चलेंगी कि भाई मैं फ़ेज़ टू में बैठा हूँ, मुझसे ये चीज़ की जा रही है? उस समय का जो पोजीशन होता है, उस समय जो आप लोग का माइंडसेट होता है, वो कैसे बताई जाए? ठीक है, और उसी तरीके के सिनेरियोज़, एग्जैक्टली सिमिलर सिनेरियोज़ कैसे आप लोग के लाए जाएँ. ख़ासतौर से ये जो बिज़नेस डेवलपमेंट टेस्ट है, जिसमें 80 to 90% कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म मतलब एग्ज़ाम को शेड्यूल करते एग्ज़ाम देते हैं. फेज़ वन तो क्लियर हो जाता है, मान लीजिए ईजी है, मतलब मैं कह रहा हूँ इस फेज़ वन हो जाता है. फेज़ टू तो आप लोग के टोटली आप पे डिपेंड करता है. इसमें तीन या चार चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों को सेल्स करना होता है, पिच करना होता है, नेगोशिएट करना होता है किसी प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ें. उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. ये सारी चीज़ें कैसे करोगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग की जो जितनी भी डिमांड थी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा और धन्यवाद कि मैंने जितनी भी वीडियोज़ भी बनाई हैं वो आप लोग को काफ़ी पसंद आ रही है. और मैं अपने लिए बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही कि मैंने कुछ आप लोग को बताया वो आप लोग के लिए बेनिफिट हो रहा है. तो मैं, क्योंकि दोस्तों मैं जो चीज़ सर्च करता हूँ वही चीज़ आप लोग को ला के बताता हूँ, और आप लोग के लिए 10% भी वो फ़ायदा करता है, तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है. आप लोग इस वीडियो को भी काफ़ी लाइक करना, काफ़ी प्यार देना. मैं आगे भी इसी तरीके की इंकरेजमेंट लूँगा और आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बनाऊँगा. दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट का जो फेज़ टू है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल मतलब मैं कह रहा हूँ डिटेल. ठीक है, आप लोग वीडियो में देखना, मैं अच्छी तरीके से आप लोग को बताऊँगा. और सिर्फ बताऊँगा नहीं, आप लोग को ये बताऊँगा कि कैसे इसको क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, ऐसे ऐसे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स और ऐसे आप लोग को पॉइंट्स आप लोग को बताऊँगा जो आप वहाँ पर फेस करते हो, जो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर जाके प्रिपेयर होकर बता देना है. और क्योंकि मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे ये कहीं से छाप के लाता है, बताता है, ऐसा नहीं. मैंने भी आप जैसा मैं भी हूँ, और मैंने भी कई जगह इंटरव्यू दिए हुए हैं, मतलब एक इंटरव्यू में मैंने कई इंटरव्यू दिए हुए हैं, किसी में सक्सेस हुआ है, किसी में फेलियर हुआ है. तो वो सारी पॉइंट्स भी मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा. तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर नोट करिएगा. और जो भी फेज़ टू के जो तीनों सेक्शन है, तीनों सेक्शन का आप लोग को मटेरियल मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. तो वीडियो अगर लंबी भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, खाली समय में बैठ के इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस करना. फेज़ टू में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 90% आप लोगों को कामयाबी ज़रूर हासिल होगी. तो वीडियो बिल्कुल जितनी भी लंबी हो पूरा देखना है, आप लोग को स्किप नहीं करना है. तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो मेक श्योर आप लोग लाइक यहाँ मार देना. और वीडियो में अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो इस चैनल पर, मेरे चैनल पर, तो मेक श्योर जो है नीचे यहाँ पर लाल वाला सब्सक्राइब बटन, उसको ज़रूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए डेली लाता रहता हूँ. तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ ए टू जेड. तो दोस्तों, सबसे पहले डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो टेस्ट स्ट्रक्चर है आप लोगों का. ठीक है, सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. फेज़ वन के बारे में, आप लोग को जैसा, अगर जो भी लोग मिस कर दिए हो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल वे में फेज़ वन के बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आप लोग ला के आपके सामने रख दिए हैं मैंने, और इससे आप लोग बिल्कुल जो है कामयाब हो जाओगे. ठीक है, वहाँ पर आप लोग का दो चीज़ होता है हमेशा, एप्टीट्यूड और एक उस जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, BDA दे रहे हो आप लोग जो है बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट, उससे बिजनेस सिनेरियोज होते हैं वो आप लोग को देना होता है. अगर ये फेज आप लोग क्लियरिफाई नहीं किए, इसको क्लियर नहीं किए, तो आप फेज टू में नहीं जा सकते. यही यहाँ पे एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, यही एक कट ऑफ चीज़ है, सेक्शन है. यहाँ पे आप लोग 300 में से 150 लाना है. पहले तो ये होता था कि 300 में से 200 लाना है. अब तो रेलेवल ने इसमें काफ़ी आसान कर दिया है आप लोग के लिए, मतलब 50% ही आप लोग को यहाँ पे लाना है, और 50% निगेटिव मार्किंग है. तो इस चीज़ की आप लोग को चतुराई रखनी है. ठीक है, ये चीज़ हो गया फेज़ वन. चलिए मान लीजिए फेज़ वन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सक्सीड हो गया. फेज़ टू आ गया,
फेज़ टू में क्या है पूरा डिटेल में आप लोग सुन लीजिए। तो मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आप लोग के सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए मेरे सामने फेज़ टू मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ध्यान रहे मैं बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से 90% लोग यहाँ पे फिल करते हैं, मैं भी इसमें ट्राई किया हूँ। और यहाँ पे फेज़ टू में आप देख सकते हो तीन सेक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट योर कॉन्फिडेंस पहला राउंड, जो कि राउंड थ्री है, राउंड फोर मेक योर पिच है, और राउंड फाइव फेज़ द इंटरव्यू है, ठीक है। मैं हम एक एक सेक्शन वाइज यहाँ पे चलेंगे और एक एक सेक्शन को आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो, सुन सकते हो, और बाकायदा उसके मटेरियल को आप लिंक पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट योर कॉन्फिडेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसका जो है, मैं सबसे पहले सिलेबस खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ओवरव्यू दिया है छोटा सा, मैं यहाँ पे आप लोग को सिलेबस खोलता हूँ। ये देखिए सिलेबस मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और नीचे आ जाते हैं टेस्ट योर कॉन्फिडेंस में। लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड देयर वीडियो रिस्पॉन्सेज टू फाइव कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन अलॉन्ग एंड ईमेल रिस्पॉन्सेज टू थ्री सिचुएशनल सेल्स सिनेरियोस। मतलब यहाँ पे दो पार्ट है, दो पार्ट का मतलब है कि आप लोग को एक तो वीडियो को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपके जो रिस्पॉन्सेस है, जो आप रिस्पॉन्स दोगे बोलोगे, उसको वीडियो के साथ रिकॉर्ड करना है। पांच कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आप लोग को वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने कमेंट में पढ़े हैं, हर जगह से पढ़े हैं, और मैंने यूट्यूब के काफ़ी लोगों से इंटरव्यू भी देखा है, और मैंने उससे जो निचोड़ हासिल किया वही चीज़ आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो थ्री इंटरव्यू क्वेश्चन, दो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इसमें वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है। देखिए आपके सामने जब फेज़ टू का क्वेश्चन आता है तो आपके सामने कोई आदमी इंसान नहीं रहता कि आपसे इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा ये आप लोग ध्यान से निकाल दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आता है, वो पांच इंटरव्यू क्वेश्चंस मेन जो कॉमन है वो आ जाते हैं, और उसमें आपका प्रॉक्टरिंग होता रहता है नीचे, ठीक है। यहाँ पर नीचे कहीं यहाँ पर दिया रहता है, आपका जो है कोई ना कोई मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका पहला देखना है, आपको स्टार्ट करना है और उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। वीडियो एज ए रिकॉर्ड कर लेना, एक फाइल बन जाएगी, जो भी आपकी MP4 फाइल है, जो भी बन जाती है, वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखना है, उसका रिकॉर्ड करके रिस्पॉन्स MP4 फाइल बना ली। इस तरीके से वीडियो बन जाएंगे आपके पांच, पांच इंटरव्यू कॉमन इंटरव्यू के पांच आपके MP4 फाइल्स बन जाएंगी, ठीक है। वो पांचों क्या होंगे अभी मैं बता दे रहा हूँ। बस जस्ट उससे पहले आप लोग से एक चीज़ और है, जो सेकंड पार्ट है थ्री सिचुएशन से सिनेरियोस। इसमें आप लोग को देखिए ईमेल रिस्पॉन्सेस है, ठीक है। इसमें वीडियो का नहीं बता रहा है, अनटिल अनलेस उसमें आप लोग को लिख के बताएगा कि सिचुएशनल में भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तभी आप रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जो है ईमेल रिस्पॉन्सेस होंगे थ्री सिचुएशनल सिनेरियोज़ के, सेल सिनेरियोज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ईमेल टाइप करके ही आप लोग को उसकी जो है सारी जो है सॉल्यूशन वहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बारे में, भाई लिखना क्या है, बोलना क्या है, ठीक है। तो पहला जो हमारा पार्ट है फाइव कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए, मैं यहाँ पे जो सर्च किया हूँ अपनी तरफ से, तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं पांच कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हर जगह पूछे जाते हैं, आप लोग भी पता होगा। लेकिन ये इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है इतने आसान होते हैं, मतलब देखने में कि भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपकी हॉबी क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप बोलो पाओगे कैसे, ठीक है। वहाँ पे बोलना, रिकॉर्ड करना एक अलग डिफरेंट सिनेरियो होता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो मेरे पास है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन आप नीचे आओगे, यहाँ पे बोलता है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा व्हाट वुड यू से आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। उसके बाद वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन फाइव ईयर्स, अगले पाँच सालों में आप क्या देखते हो। ये पांच क्वेश्चंस हैं जो इस जो यहाँ से मैंने इस वेबसाइट से यहाँ लिंक से मैंने यहाँ पे निचोड़ा है। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसके बारे में आपको बताया है कि किस तरीके से बोलना है। लिखा हुआ है कि व्हाट वुड यू से, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे माई नेम इज़ मोहम्मद तंजीम एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस वी मैनी ईयर्स, और आई एम जस्ट अ फ्रेशर एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस मिस्ट कॉलेज, आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई हैव दिस एकेडमिक रिकॉर्ड, आई हैव बीन मोर स्किलफुल इन दिस टेक्नोलॉजीज एंड दीज आर माई स्किल्स एंड यू कैन प्रोवाइड मी ऑल द टास्क, आई कैन कम्प्लीट इन द गिवन टाइम एंड विथ क्वालिटी एंड डिलीवरेबल्स, ठीक। इस तरीके का मतलब कुछ आप लोग को बोलना है ताकि सामने वाले का जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप लोग को लगे कि हाँ ये अपने बारे में सही चीज़ें बताया है, ठीक से बताया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से दिया है कि आपको क्या बोलना है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू शुड से, और दूसरा है व्हाट शुडंट से, आप क्या नहीं बोलना बोल सकते हो, ठीक है। ये सब नहीं बोलना कि मैं यूट्यूब बनाता हूँ, मैं यहाँ पे फलाना इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे मनी मेकिंग काम कर, ऐसा नहीं बताना, ठीक है। उनसे जो रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, वही चीज़ बोलना है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्टेड क्यों है इस जॉब में, ठीक है, ये सारी भी चीज़ें दी गई हैं कि आप इंटरेस्टेड क्यों, आपका पैशन है तो आप बोल सकते हो, कुछ और भी चीज़ें हैं जो भी इसमें है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये देखिए वीडियो में बिल्कुल मैं इतना सारा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बन जाएगी 2 घंटे की, ठीक है, वो आप कोई देखेगा नहीं,
तो मैं आप लोग को ये लिंक दे दे रहा हूँ, उसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है उसको मैंने समझा है, तभी आप लोग को ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दूसरी भी लिंक है जो 5 कॉमन क्वेश्चंस है, ये जनरल क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ इतने आसान क्वेश्चन है कि आप अपने डायरी में नोट करके लिख लोगे और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखिए, व्हाट मोटिवेट्स इन योर वर्क, आपको क्या मोटिवेट करता है काम करने के लिए, आप जो है आपको अच्छा लगता है काम करना, इस टाइप की आप चीज़ें लिख सकते हो। मैं फोकस्ड हूँ, ठीक है। वॉट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, वाई डू यू एन्जॉय बिजनेस डेवलपमेंट, ही क्यों चूज़ किया आपने, ठीक है। तो आपको मतलब बेचना, सामान बेचना, सेल्स करना अच्छा लगता है, बिजनेस डील अच्छी लगती है, ये सब लिख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये 5 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का लिंक मैं आप लोग को यहाँ भी दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल पर भी दूँगा, कुछ कम प्रॉब्लम होगा मुझे बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं वापस अपने सिलेबस पर, ठीक है। तो सिलेबस हमारा कहाँ गया, ये हमारा सिलेबस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 5 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान रहे ये 1 घंटे का है, तो आराम से आप लोग इसमें कर सकते हो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 सिचुएशनल सेल्स सिनेरियोज कैसे करोगे, ईमेल रिस्पॉन्सेज टू 3 सिचुएशनल सिनेरियोज। भाई मैंने ग्रेजुएट अभी किया है जस्ट, और मैं मतलब जस्ट मैं फ्रेशर हूँ, कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे क्या पता कि भाई ये सिचुएशनल सेल्स क्या होते हैं। सबके दिमाग में तो यही है, मेरे भी दिमाग में यही है, तो कहाँ से लाऊँ मैं, कहाँ से मैं प्रकट कर दूँ ये सारे इसके ईमेल रिस्पॉन्सेज। तो इस सवाल का मैं जवाब आप लोग को दे रहा हूँ, मेरे पास मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है और ये आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सिंपल सैम्पल सिचुएशन इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए ला दिया हूँ, सिर्फ सेल्स के लिए, जो कि बिज़नेस के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप लोग को सैम्पल आप लोग को मिलेंगे सिचुएशनल इंटरव्यूज क्वेश्चन। सिचुएशनल क्या होते हैं, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्या नाम है आपका, क्यों करते हो, क्या अच्छा लगता है। आप लोग को ये रहता है सिचुएशनल में कि आप भाई इफ़ होते हैं, मतलब आप कब अगर ये नहीं कर पाते क्या होते हो, अगर इस केस में क्या करोगे, ठीक है। इस तरीके के सीनैरियो होते हैं, तो ये सीनैरियो वाइज क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सैम्पल सिचुएशनल इंटरव्यू दे दिए, जैसे कि एग्जांपल है, हाउ वुड यू हैंडल अ लीड हु इज़ नॉट रेडी टू क्लोज, ठीक है। एक ये हो गया, इसका यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, कैसे आप लोग को यहाँ पे बोलना है, मतलब ईमेल राइट करना है, ईमेल में राइट करना है आप लोग को इस तरीके का। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस राइटिंग अच्छी करनी है, राइटिंग मतलब इन द सेंस ग्रामर अच्छे से लिखना है, और जो मैंने इसमें दिखाया है वही चीज़ आप लोग को वहाँ पे लिखना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में। उसके अलावा, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ अ सुपरवाइज़र क्रिटिसाइज योर वर्क, आपके काम को आपने इतनी मेहनत करके किया, आपका सुपरवाइज़र जो है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अच्छा नहीं कह रहा, आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे। तो कोई एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सीनेरियो, आप उसको पॉजिटिव वे में कैसे लोगे, ठीक है। जैसे आपका काम अच्छा नहीं लगा उसको, आपने मेहनत की, तो आप उसमें पूछ सकते हो कि भाई क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, सर मैं इसको और बेटर करूँगा अगली तरफ से, और ये मेरी वीकनेस है, मैं उसको नोट कर लिया, अगले से मैं उसको अच्छा करूँगा, प्लस प्लस पॉइंट मतलब पॉजिटिव पॉइंट में आप लोग को ये सब चीज़ें बोलनी है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, इफ़ हायर्ड फॉर दिस पोजीशन हाउ वुड यू प्रायोरिटीज, पहले मंथ में आप क्या करोगे अगर आपका आपको हम ले लें, सेलेक्ट कर लें, ये चीज़ दी गई है। उसके बाद आप देखिए, हाउ वुड यू अप्रोच शॉर्ट सेल साइकिल डिफरेंट एंड लॉन्ग सेल्स, छोटे सेल साइकिल्स आप कैसे जो है अप्रोच करोगे, छोटा टर्म्स जो डील होता है जो लोगों से कस्टमर से, वो कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए, आपको 6, 7, 7 मिल जाएंगे आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशनल सेल्स हैं। मैंने मतलब ऐसा नहीं है मैं रैंडम बता रहा हूँ, मैंने दर्जनों यहाँ वेबसाइट्स सर्च की, डॉक्यूमेंट सर्च किया, वहाँ से सेल्स के सिनेरियोज़ लिए, और ये मुझे लगा क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके बिगनर के लिए हैं। वो आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई आप एकदम मैनेजर हो, एकदम डिप्टी मैनेजर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आपसे बिगनर्स ही पूछेगा, ठीक है। तो बिगनर्स के ये सारे सवाल हैं जो मुझे लगे हैं, आपको मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा देखिए, एक और है, एक और लिंक है यहाँ पे, देख लीजिए, मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है एक और सिचुएशनल, ठीक, सिचुएशनल क्वेश्चंस है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो और भी अच्छे से बताया है कि यहाँ पे भाई सपोज कीजिए, यहाँ पे लिखा है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू कोलैबोरेट विद अ कोवर्कर हु वाज डिफिकल्ट, ऐसा कोई टाइम बताइए जिसके साथ, जिसमें आप अपने जो है पीयर वर्कर या कोवर्कर के साथ काम कर रहे हो लेकिन वो आपके साथ तालमेल नहीं है, वो डिफिकल्ट है उसके साथ काम करना, आप कैसे उसको काम उस हैंडल को कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई राइट वे क्या है, रॉन्ग वे क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ अच्छी तरीके से बताइए, और यहाँ मतलब सॉरी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। देखो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप स्क्रॉल करके जो मतलब भरमा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की, और ये मैंने मतलब बहुत ही मतलब समझ रहे रिसर्च करके मैंने निकाला है, मे बी आप लोग भी ये चीज़ पहले से जानते होगे, बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेना है, किस तरीके
से हम क्या चीज़ नहीं बोल रही है ये सारी चीज़, तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा पूरा डिटेल। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। सिचुएशन ये हो गया आपके सिचुएशनल, इन सभी चीज़ों को आप लोग को ईमेल में लिखना है, ठीक है, ध्यान रहे। तो आप लोग को प्रैक्टिस क्या करनी है, पहली तो वीडियो वाली रिकॉर्ड करके घर पर प्रैक्टिस कर लेना कि भाई ये 5 क्वेश्चन है मैंने बोल दिया ऐसे, मेरा रिकॉर्ड हो गया, ये हो गया मेरा। दूसरा कि ईमेल में ऐसे कैसे लिखना है, ईमेल की प्रैक्टिस कर लो, ये सारे क्वेश्चन की ईमेल प्रैक्टिस कर लो भाई, डेली कर लो इस तरीके से, ताकि वहाँ पे कोई ऐसा ना रहे, नर्वसनेस ना रहे, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पे सिलेबस पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला टेस्ट, योर कॉन्फिडेंस हो चुका, कॉन्फिडेंस आपका चेक हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 1 घंटे का हो गया, इसमें 5 कॉमन भी हो गए, इंटरव्यू क्वेश्चन 3 सिचुएशन भी हो गए, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग। अब नीचे आते हैं मेक योर पिच। देखिए दोस्तों, वीडियो भले थोड़ी सी लेट लग रही हो या फिर बड़ी लग रही हो, छोड़ के नहीं जाना भाई, कितना टाइम लगेगा। ये चीज़ें मे बी यूट्यूब पे बहुत कम आती हैं, तो मैंने जहाँ तक पाया है कि मैं अपनी तरफ से इतना जो टाइम लगा रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, उसका कुछ आप लोग जो है बेनिफिट पाओ, और आप भी वीडियो देखो, स्किप ना करो, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारा मेक योर पिच, ये आपका देखिए फिर 1 घंटे का होता है, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक देंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत लगा भाई पानी पियो, चाय पियो, अपना खुले हवा में जाओ, और उसके बाद जो है मास्क लगा के जाओ मतलब, और उसके बाद वापस आके 1 घंटे बाद फिर से आपका शेड्यूल हो जाएगा। मेक योर पिच, ये कई लोग भाई इंग्लिश सभी जानते हैं, मेक योर पिच का मतलब क्या है सभी नहीं जानते भाई। पिच ये नहीं है, ये क्रिकेट वाली पिच नहीं है, ये यहाँ पे आप जो सेल्स करते हो, जो भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हो अपने कंपनी के, तो उसमें आप लोग को नेगोशिएशन होते हैं, ठीक है, आपकी कस्टमर के साथ डील होती है, उसके काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, भाई मैं क्यों खरीदूँ, मैं क्यों खरीदूँ, कहाँ से खरीदूँ, मेरे पास और भी लोग हैं वहाँ के जाके खरीदो, तो मैं इस प्राइस में नहीं खरीदूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप कैसे डील करोगे कि नहीं हमारा बजट ये ही, हम इतने में करेंगे ये वो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं पिच। आप यहाँ ध्यान से सीखो कि सेल्स पर्सन जो है पिच नेगोशिएट और हैंडल काउंटर प्रपोजल्स करता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को केस स्टडी प्रोवाइडेड इन दिस राउंड, ठीक है। और ये भी जो है कि वीडियो रिकॉर्डेड है। अब यहाँ देखिए क्या है कि थोड़ा सा आपको डेप्थ में दे दिया है, डेप्थ में क्या है होना वही चीज़ है, वीडियो रिकॉर्डेड वाली ही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं बताया है कि कितने यहाँ पे क्वेश्चन हैं, लेकिन 1 घंटे का तो मान के चलिए 2 या 3 केस स्टडी यहाँ पे रहेंगे। केस स्टडी कैसे रहेंगे कि आपको कोई सामान बेचना है तो उसमें जो है और भी क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, ठीक है। सपोज़ कोई आपको पेन ही बेचना है, ठीक है, तो भाई पेन बेचना है तो पेन के नीचे जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें नीचे क्वेश्चंस रखे रहेंगे कि नेगोशिएट करो उस पेन को, उसके बाद आप जो है वहाँ पे कितने दाम में बेचोगे, फिर उसके बाद यह है नेगोशिएट कैसे करोगे, हैंडल कैसे करोगे, कस्टमर ने ये सवाल पूछा, वो सवाल भी वहाँ लिखे रहेंगे, ठीक है। तो आपको उस तरीके से उसमें बताना है। अब इस ये सारी चीज़ें बता के रिकॉर्ड करके MP4 बना देना है, ठीक है। अब इसके लिए डिटेल्ड जो लिंक है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये मेक योर पिच का है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिंक मैंने कोरा से उठाया, देखिए कोरा भी बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इररिलेवेंट थे, बिगिनर्स के लिए नहीं थे। मैंने यहाँ पे सर्च करके एक पोस्ट पाई है जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है। ये जो लिंक है, मतलब यही लिंक पे आप स्क्रॉल करते जाओगे ना तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। आप यहाँ देखो, अंकित भनोट ने यहाँ पे इंटरव्यू का जो है गिव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, उनके तो आइडिया, और इन्होंने बोला है कि भाई अगर यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक पेन बेचना है तो मैं कैसे इस पेन को बेचूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे हैं, आप नीचे पढ़ सकते हो। मैं सपोज़ मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, पेन को कैसे बेचना है, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन सा पेन यूज़ करते हो, बोलेंगे भाई मैं इंक पेन यूज़ करता हूँ, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई इसमें कोई परेशानी आती है आपको, तो वो बोलेंगे हाँ मुझे इंक बार बार भरना पड़ता है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे पास रिफ़िल वाला पेन है जिसमें आपको इंक भरने की ज़रूरत नहीं है, ये रिफ़िल आप लोग इसमें डाल लो और ये आप लोग का चलता रहेगा, और ये आपका इंक तो ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में, ये मेरा जो है 1 महीना चलेगा। इस तरीके से आप लोग को प्रोसेस बनाना है, उनके साथ नेगोशिएट करना है, उनकी प्रॉब्लम को पकड़ के कन्वर्ट कर देना है प्रॉफिट में, ठीक है, ये हो जाता है सेल। और यहाँ पे आप देख लो पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है, मैंने पूरा यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं, और ये अच्छी तरीके से बताया है कि स्पेसिफिकली ये पेन को पकड़ के किया है, लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट इसमें डाल सकते हो कि भाई टेबल हो गया, या फिर आपको कोई किताब बेचने को कह दिया सेल करने के लिए, ये सारी चीज़ें, तो इससे आप लोग को बहुत बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू सेल दिस में पेन टू मी, गो व्हाट डू यू राइट विद दिस ऑफिस अ पेन, हाउ डू यू ऑफन एवरी डे, तो ये सारी चीज़ें कि मतलब काउंटर क्वेश्चन भी है, नेगोशिएट भी करना, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इस यहाँ से आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ वापस आ जाते हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ है, 3 ही चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, पिच आपकी
कि आप किस तरीके से पकड़ रहे हो उनकी प्रॉब्लम को, नेगोशिएट कैसे करोगे कि जो मेरा पेन का प्राइस है उसी प्राइस में वो ले पा रहा है कि नहीं, या फिर थोड़ा सा उसमें कम करके आप नेगोशिएट कर पा रहे हो, और कैसे उनके क्वेश्चंस का आप आंसर दे रहे हो कि भाई आपसे क्यों लूँ, आप क्या बेनिफिट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये आपका हो गया ये सेक्शन मेक योर पिच, ठीक है। बहुत ही आसान मुझे लगा अगर आप ये सारे के सारे फॉलो कर लोगे, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा फेस द इंटरव्यू है, ठीक है, ये देखिए ये 1 घंटे का नहीं है, ये 45 मिनट है, और इसमें आप लोग को रियल में सेल्स का कोई प्रोफेशनल जो रिलेवल की तरफ से आता है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, वो आप रिप्रेजेंट करता है, वो आपके सामने आएगा, मतलब एज अ लाइव वीडियो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए घबराने की बात नहीं है, आपने ऑलरेडी इतना अच्छा 2 राउंड आपने निकाल लिया है कि आपको अब जो है इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मैं नोट किया हूँ कि देखिए, एक तो आप लोग को इंटरव्यू वगैरह से आके आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग से पूछने ही लगता है, आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है। आपको इंटरेस्ट बनाना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को आइस ब्रेकर करना है, आइस ब्रेकर मतलब आपको कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, और आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो कैसे भी अपने, जैसे कि हाउ आर यू सर, हाउ आर फीलिंग, फाइन, ओके, इस तरीके की चीज़ें आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद जब कंफर्टेबल हो जाओगे तो इंटरव्यू 50% आसान हो जाता है, ठीक है, कोई नर्वसनेस नहीं रहती, और इंटरव्यूअर को भी आसान लगता है, अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एबिलिटी टू पिच, नेगोशिएट एंड सेल टू अ मास्टर कंज्यूमर एंड एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ पे सेम मेक योर पिच वाले पहले वाले राउंड की तरह ही भी यहाँ पे है, बस यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना, आपको सामने वाले से बताना है। एक तरह से आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि सामने वाले को आप एज अ इंसान समझा सकते हो, ठीक है, और वही चीज़ पूछी जाएगी। इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अलग से मैंने सेपरेट यहाँ पे कोरा से ही लिया है, कोरा वाले प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक पोस्ट मैं आप लोग को दूंगा। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मर हेड प्लेसमेंट थे, 25 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और उन्होंने ये 4 पॉइंट यहाँ पर दी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये सभी लोग, सभी कैंडिडेट्स इस पर जो है फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट आस्क द इंटरव्यूअर दैट इफ़ यू मे आस्क अ फ्यू क्वेश्चन टू एस एस इज नीड्स, ठीक है, मतलब पहले आप इंटरव्यूअर से पूछो कि भाई जो आप सामान मुझसे चाहते हो बेचवाना, ठीक है, आपको क्या नीड्स है, उस सामान का नीड क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो उससे, ठीक है, ये आप लोग पूछ लो। फर्स्ट विन इंटरव्यूअर नोज यू आर एसोसिएटिंग नीड्स फर्स्ट, जो इंटरव्यूअर है उसके पास, आपके पास पहला अच्छा अप्रिसिएशन जाएगा, इंप्रेशन जाएगा कि भाई ये मुझसे पहले नीड्स पूछ रहा है, ठीक है, वो आप लोग को आपको बताएगा नहीं, लेकिन आप उसके माइंड में एक प्लस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, आस्क द इंटरव्यूअर हाउ ही यूजेज द प्रोडक्ट करेंटली, पेन और चेयर और टेबल, वेट एवर ही आस्क टू सेल, ठीक है, तो करेंटली उस चीज़ को, मान लीजिए कि ये टेबल है, टेबल को बेचना है, तो टेबल को करेंटली वो कैसे यूज़ कर रहा है, सर आप कैसे यूज़ करते हैं इस टेबल को ज़रा बताइए। तो कई लोग कहेंगे मैं उस पर डायरेक्ट बैठ जाता हूँ, या फिर मैं सरकार लेता हूँ, सरका के बैठता हूँ, या फिर तकिया लगा के बैठता हूँ, ठीक है, आपको वो चीज़ को पकड़नी है, ठीक है। तीसरी चीज़, आफ्टर आस्किंग करंट यूज़ क्वेश्चंस, चेक अबाउट हिज वर्क लाइफ स्टाइल एस्पिरेशंस एंड देन ट्राई टू फ्रेम फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज पर हिज नीड्स एंड वॉन्ट्स, ठीक है। अब आपको उनसे पूछना है कि अबाउट आपका वर्क लाइफ स्टाइल, आप उस टेबल को कब कब यूज़ करते हो, क्या ऑफिस जाते वक्त उस पर कुछ अपनी घड़ी रखते हो, पर्स रखते हो, आई कार्ड रखते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो भाई आपको दिमाग में भी रखना है कि भाई वो आई कार्ड रखता है और ये चीज़ें ज़रूरी सामान है, तो आपका टेबल ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको रिमाइंड कराए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी रहेगी कि आप भूल रहे हो तो सुबह सुबह बता दे कि भाई आपका ये चीज़ पिंग करे, आपके मैसेज पे व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, ठीक है, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जो उसको अच्छा लगे। चौथा गया, डू नॉट पुश फॉर फीचर्स, टेल अबाउट फीचर्स, इट्स एडवांटेज एंड इट्स बेनिफिट्स। जो आप प्रोडक्ट बता रहे हो उसका आप लोग को बेनिफिट एक्यूरेट बताना है, ऐसा नहीं कि एग्जैजरेट कर देना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में मक्खन नहीं लगा के बोल देना है कि भाई ये तो स्पेस चला जाएगा और मतलब सूरज की तस्वीर ला दो, ऐसा नहीं है, ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ बतानी है जो उसकी नीड है, सिर्फ उसी को टारगेट करना है। और इंटरव्यू समझ जाइए, इंटरव्यूअर जो है आपके पहले दूसरे में ही आपको पॉइंट्स दे देगा, तो इतना मतलब मुझे ये यहाँ से समझ में आया, और बहुत तगड़ी पोस्ट लगी है दोस्तों मुझे ये वाली, ठीक है, इसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो टोटल 4-5 लिंक है, सभी का लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम के पास भी दे दूंगा और इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और एक बार और देख लेते हैं, नज़र दौड़ा लेते हैं कि भाई और कुछ तो बताए बचा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली है। और मेरे ख्याल से दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फेज़ टू में तो दोस्तों मतलब आप लोग को कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, आप ज़रूर वहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने जितनी मेहनत की है मतलब ये सारे मटेरियल्स को, तो उसको ज़रूर पढ़ना यार, मतलब उसको पढ़ लेना एक बार,
और कोई भी अदर क्वेश्चंस आए तो मुझे बताना। अब देखिए, इसके अलावा कई लोग के और भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ रिव्यूज में सारे आंसर नहीं मिल पाते, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ ज़रूर बताओ कि भाई इसमें और क्या चाहिए आपको। उसके अलावा देखिए, ये तो था बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट। उसके अलावा देखिए, मैंने आपको APM वाले भी बताई थी चीज़, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में, वीडियो यहाँ पर देख लेना, उसमें भी क्वेश्चंस और हैं। उसके बारे में भी कुछ चाहिए टॉपिक तो नीचे यहाँ पे कमेंट करके अभी बता दो, तो मैं उस पर भी जो है ज़रूर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग के फेज़ 1 फेज़ 2 कवर हो गया BDA के, मतलब BDT के, बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के। बाकी सेक्शन और भी हैं, बिजनेस एनालिटिक्स है, फ्रंट एंड स्टैकर है, टेक्निकल वाली सेक्शन भी है, उसमें भी चाहिए तो आप मुझे बताओ, फेज़ 1 फेज़ 2 के सिमिलर क्वेश्चन मैं ढूंढ के कहीं से ला दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि मैं जो भी, मैं खुद भी यहाँ पे शेड्यूल करता हूँ टेस्ट, और कभी सक्सेस होता है नहीं होता है, इस तरीके से है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को वो प्रॉब्लम्स ना फेस हो जो मैं फेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर मार दो, मतलब लाइक मार दो, अभी मार दो। ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो इस चैनल पे, तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि तभी जब दबाओगे नोटिफिकेशन बेल, तभी ये वीडियो आपके पास आएगी आपके मोबाइल पर सबसे पहले। ठीक है, और आप देख पाओगे। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली 5 से 6 जॉब्स जरूर आप लोग को देता हूँ, ताकि आप लोग की जॉब वहाँ पे जल्दी जल्दी लग सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।